पता ही था गाड़ी थोड़ी वैसी है। हाँ जाएंगे हाँ जाएंगे अभी तो पौने 8 तक तो आई जाएंगे। तो गाइस हम लोग चंद्रगुआ धाम में प्रवेश कर चुके हैं, श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज मंदिर धाम। श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज मंदिर धाम ये है मंदिर परिसर। कहाँ से? नहीं इधर से आया जाता, मेन गेट इधर है। नहीं मेन गेट अच्छा, हम हर बार पीछे से आए। हाँ तुम पीछे से आए। और यहाँ पर है भव्य मंदिर और श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। हो गया चलें। हनुमान जी महाराज संकट मोचन देख सकते हैं। काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और श्रद्धालु काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। मुझसे कम उम्र के बच्चे भी पढ़ रहे हैं देख रहे हो। और ये हनुमान जी का गदा है देख सकते हैं आप लोग। ये राधा कृष्ण मंदिर, ये राधा कृष्ण मंदिर है। देख सकते हैं काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आकर पूजा कर रहे हैं, काफी मात्रा में भीड़। और जब बुढ़वा मंगल होता है तो यहाँ इतना भीड़ होती है, बल्कि बुढ़वा मंगल के दिन इतना भीड़ होती है कि सांस तक नहीं रहती है यहाँ। और ये देखिए कल की देवता, यहाँ हमारे भोलेनाथ जी विराजमान हैं, काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये यहाँ के महंत बाबा हैं। महंत बाबा हैं यहाँ। और ये हमारी शेरा वाली माता, सीताराम 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 सीताराम
और काली देवी है यहाँ, भव्य मंदिर है पूरा और सबसे भव्य मूर्ति मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसे जिसके लोग दीवाने हैं, जिन देवताओं के दीवाने हैं उन देवताओं के महादेव हैं ये महाकाल अपने। और ये पूरा मंदिर परिसर है, काफी काफी जगह में फैला हुआ है ये मंदिर। बाहर मेला भी लगता है, बुढ़वा मंगल के दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ चाय मिल जाती है। हाँ, ये चाय कच्छ है और यहाँ आपको चाय भी उपलब्ध हो जाएगी, देख सकते हैं आप। इसकी भी अलग मान्यता है कि ये फूल को लेकर स्लाइड करते हैं इन पट्टिकाओं के बगल से, और जो पूरा स्लाइड करके इच्छा कामना मांगते हैं उनकी पूर्ण जरूर होती है।